न्यू टीवी और से जाहिद हुसैन, आज हम अब जड़गढ़ और गुरुद्वारे में मौजूद है। यहाँ पाँच किसानों की काफ़ी रेल यहाँ से चलती हुई और हम सीधे किसान से बात करते हैं। हमारे उनसे भाई हैं, ये हमारे साथ आके जुड़े, हमें बहुत किसान है ना। किसान तो बाद में हो, पहले तो वो ही पहले किसान है। अच्छा, पहले किसान हो, चलो बाद में। धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज गुरुद्वारा साहब पे किसानों के बीच में आए, हमें इनका शुक्रिया करते, धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ पर आप पार्टी के रिजवान मिश्रा जी है, उनसे भी थोड़ी देर में उनसे बात करेगा। और भी किसान भाई हैं, उनसे सीधे उनसे बात करें। जी जी चाचा, कहाँ से कहाँ तक के लिए आज ये रैली है? आज ये रैली कादराबाद से प्रारंभ होकर के जोगढ़ बादीगढ़ वाया कल्लू वाला साइड में है ना, कल्लू वाला होते हुए कादराबाद में इसकी समाप्ति होगी। और ये एक ये समझ लीजिए कि उन तीन काले कानूनों का विरोध है जी, जो सरकार ने बनाए हैं और हम उनको जो है रद्द करवाना चाहते हैं। इसी के संबंध में ये रैली की जा रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। क्यों इतना समय लगा रहे किस सरकार किसानों का, क्यों नहीं बात मानी, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सर, ये सरकार असल में कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चला रहे, ये अडानी और अंबानी इस सरकार को चला रहे हैं और उन्हीं का हाथ इनके पीछे है। जब तक वो इनका हाथ मरोड़े रहेंगे तब तक ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं। ये आए दिन तारीख बैठक भी होती है, आए दिन तक बैठक हो रहती है और कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता बैठक का। क्यों तब बैठक पे बैठक होती है फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता? आज कम से कम 40-42 दिन है किसानों को ठंडी पड़ रही है, उसके बाद भी किसान टटे हुए हैं। ये तो वही फिल्म आपने देखी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल की है जी हाँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। 40-42 दिन नहीं, 3 महीने से ऊपर हो गया है जी जी, 2 महीने से ज़्यादा तो किसान पंजाब में हरियाणा में पहले से रेल लाइनों पर बैठे हुए थे और आज 43 दिन यहाँ दिल्ली में हो चुके हैं। गांव में अब सब जगह लोग जागरूक हो गए हैं, सभी राज्यों से जो है समर्थन मिल रहा है, जो मजदूर तबका है, जो दुकानदार तबका है, वो सभी से समर्थन मिल रहा है और ये विरोध आज एक आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए जाएगा जो ये जी, जी, मार्च जी, है जी, ये कादराबाद से प्रारंभ होकर कादराबाद में ही इसकी समाप्ति होगी। पी बिजनौर और ग्राम बादीगढ़ में मौजूद है, यहाँ पर अध्यक्ष जी भी मौजूद है किसान यूनियन के, हम सीधे उनसे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी अध्यक्ष जी, आज जो ये ट्रैक्टर की रैली निकाल ली है जी सर, ये कहाँ तक के लिए? ये आज जो किसान जन क्रांति यात्रा निकाली गई है ये कादराबाद से शुरू हुई थी, कादराबाद से अफजलगढ़ होते हुए भोजपुरी, भोजपुरी से सुआंवाला और सुआंवाला से बादीगढ़, बादीगढ़ से कैरीपुर, कल्लूवाला, भिकावाड़ा होकर के फिर वहीं कादराबाद में जाकर के समापन होगा इसका। सर ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार बिल वापस नहीं दे रही, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? क्यों दिन तारीख पे तारीख दे रही है सरकार, क्या वजह हो सकती है सर? ये तो सरकार जाने, अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ये वापस नहीं होंगे किसान संघर्ष करता रहेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये किसान का संघर्ष जारी रहेगा।